और पूजा की थाली सजाने के लिए यहाँ पे तैयारी शुरू हो चुकी है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम तैयार हो चुके हैं राखी के लिए और काकू भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। मेरा चुन्नो मुन्नो सा बीबी, इसने नई नई कर चुकी है, इसने काकू ने नई नई कर चुकी है। काकू ने अच्छे से ड्रेसअप कर लिया है। काकू, ये वाली राखी आप लेके कहाँ घूम रहे हो? इसका क्या करोगे? ये वाली पहननी आपको? ठीक है। और यहाँ मेरा चुन्नू, मेरा चीनी बाबा यहाँ पे हाय कर दो सबको। हेलो, थोड़ा शर्मीला है, हाय हेलो करना कम पसंद करता है। काकू आपने किया हेलो? और यहाँ हम दोनों रेडी हो चुके हैं और दीदी भी रेडी हो चुकी है। दीदी ने आज पहनी है ब्लू कलर की साड़ी और मैंने पहनी है आज गोल्डन कलर की। सो परफेक्टली तैयार हो चुके हैं और दीदी का इतना ब्यूटीफुल मेकअप मैंने ही किया है, तो कॉम्प्लीमेंट देना मत भूलिएगा। तो आप कैसे क्या कहना चाहोगे अपनी? मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेकअप ही इन्होंने कर रखा था। अपनी मेहंदी दिखा दो, आप कैसी लग रही है? ये मेरी छोटी बहन ने लगाई है मेहंदी। और ये वाली दीदी ने लगाई है, ये भी अच्छी लगी है। चलो, और ये वाली मैंने लगाई है टाइम पास के लिए, तो मत नहीं देखो तो ज़्यादा बेटर है। टाइम पास क्यों यार, ये तो शगुन होता है। हाँ, मैंने शगुन के लिए लगा ली थी। हाँ, शगुन के लिए होनी चाहिए मेहंदी बस। अब ऊपर चलते हैं फूल लेने के लिए। तो हमारे यहाँ पर जो है कनेर के फूल लगे हुए हैं, दो चार ही फूल लगे हुए थे, हमने इन्हीं को ही ले लिया, यहाँ से पिक कर लिया। वैसे कनेर के काफ़ी तरह के फूल आते हैं यहाँ पर। मैंने एक येल्लो, मुझे याद है बचपन में मुझे ये फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, हम इन्हें लेने के लिए जाया करते थे जब छोटे थे। हम सभी पार्कों से लेकर आते थे ये मंदिरों में, और हमें मंदिर जाने का शौक़ रहता था, तो हम मंदिर जाते थे और वहाँ पर ये फूल वगैरह चढ़ा कर आते थे। तो यहाँ से जो है ये देखो, अभी इसमें आना बाकी है। यहाँ पे भिंडी का फूल लगा हुआ है, मैंने पहली बार देखी भिंडी के फूल। और यहाँ पर जो है ये अनार का पेड़ लगा हुआ है, लेकिन इस बेचारे में अनार नहीं आ पाते हैं, बस फूल ही फूल आते हैं। और यहाँ पर बैंगन का भी लगा हुआ है, तो बैंगन भी जो है यहाँ पर बहुत छोटा सा फूल आया हुआ है, इसमें बैंगन का फूल भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो पूजा के लिए हमने इतने फूल ले लिए हैं। अब दीदी ने यहाँ पर सबसे पहले राखी बनानी शुरू करी है, फिर मेरी बारी आई है राखी बनाने की, और हम सभी साथ में होते हैं, हंसी टिटोली चलती है। तो यहाँ पे मैंने अपने भाई को बांधी है राखी, तो सभी भाइयों को मैंने एक एक करके राखी बांधी है। पर जो हैं भाई वगैरह जो हैं बाहर गए हुए थे, अभी आने में उनको लेट होगा, तो फिर जब भैया और आ गए थे फिर हम उनको भी बांधने चले गए। एक एक करके हमने सबको राखी बांधी। और यहाँ पर दीदी और मम्मी के साथ मैंने फ़ोटो क्लिक करवाई और हमने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, और एक आध वीडियो में हमने डांस भी किया है। सो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।